सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे ट्यूशन जीपी में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे जैसे रिजल्ट की डेट पास में आ रही है, वैसे वैसे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है। जैसे टेंशन बढ़ रही है, बच्चे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बच्चे टेंशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने ये गलती की। आज का गाइज मैक्सिमम क्वेश्चन का डाउट ये था बच्चों का। मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर मैंने राइटिंग बहुत ख़राब की है, सर पेपर लेंथी बहुत था, मैंने सर एंड के अंदर बहुत गंदी राइटिंग करी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने बहुत ज़्यादा ही गंदा राइटिंग करी है, तो सर क्या मेरे मार्क्स कट हो गए। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब थोड़ी मैंने क्लियर लिखा है, सारा कुछ मेंशन हो रहा है, अच्छी राइटिंग करी है, तो सर क्या मेरे को नंबर एक्स्ट्रा मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट को राइटिंग के रिलेटेड बहुत सारे डाउट थे। तो गाइस आज की वीडियो में आप सभी को डायरेक्टली बताऊंगा कि राइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स होते नहीं होते, राइटिंग खराब करने से मार्क्स कट होते नहीं होते। देखो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अच्छी राइटिंग करते हो, मतलब सारा कुछ क्लियर पता लग रहा है, इस टाइप की राइटिंग करते हो, तो इससे आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट गाइस ये होता है कि आपके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं कट होते, टीचर को पता लगता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, क्या समझाया है, मतलब हर चीज़ टीचर को पता लगती है, उस कारण से टीचर अच्छे मूड में होता है और आपको एक नंबर दो नंबर एक्स्ट्रा दे देता है। जैसे जहाँ पर आपने आधा क्वेश्चन सही किया है और आधा क्वेश्चन में मतलब मिस्टेक कर रखी है आपने स्पेलिंग वगैरह की, तो आपको वो मिस्टेक को टीचर इग्नोर करता है क्योंकि आपकी राइटिंग अच्छी है, उस कारण से आपको एक नंबर दो नंबर एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब गाइस आप ये मत सोचना कि आपने राइटिंग बहुत ख़राब की तो टीचर बहुत ज़्यादा नंबर काटेगा, ऐसी बात नहीं है। टीचर इंसान है, टीचर बच्चों के फ्यूचर के साथ में कभी भी गलत नहीं सोचता, हमेशा टीचर अगर आपने राइटिंग ख़राब की है, टीचर को समझ आता है पेपर लेंथी था, बच्चों ने जल्दी जल्दी लिखा जिस कारण से बच्चों की राइटिंग खराब हो गई, टीचर समझता है, इसलिए टीचर ध्यान से कॉपी चेक करेगा आपकी और आपने जितना सही लिखा है उसके बेस पे आपको मार्क्स मिल जाएगी। मतलब गाइस देखो, आपने स्टार्टिंग में तो सभी ने राइटिंग अच्छी की, एंड में जाते जाते आपकी राइटिंग खराब हुई है, मैं समझ सकता हूँ, लेंथी पेपर था, जल्दी जल्दी लिखना था जिस कारण से आपकी राइटिंग थोड़ी काफ़ी ख़राब हो गई होगी, तो आप टेंशन मत लो, टीचर थोड़ा ध्यान से चेक करेगा उसे और आपको उस बेस पे मार्क्स मिल जाएगा। मतलब राइटिंग के कोई मार्क्स कट नहीं होते, इनके मार्क्स नहीं कट होते। इधर गाइस मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि राइटिंग के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं लेकिन कभी राइटिंग के मार्क्स नहीं कट होते। इसलिए गाइस अगर आपको टेंशन हो रही हैंडराइटिंग को लेकर तो उस टेंशन को भूल जाओ, आप सभी ने के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप सभी ने मेहनत करी है, आप सभी को अपनी मेहनत का परिणाम मिलेगा। तो गाइस मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर गाइस आप सभी को इस वीडियो में बताइए बातें सही लगी तो अपने फ्रेंड्स से वीडियो जरूर शेयर करना, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी घर पर रहो, सेफ रहो।